नंदू बाबू, मैं यह जमीन के नहीं बेचड़ दूल, मैं अपन पछाड़ नहीं खोड़ दूल। मेरी माँ छो हमारी पछाण छो जो आख या कहीं ताके ली दुश में बाण छो तू के कर ले चल देख बे तू के तो साधु बनन छो रंगदा मैं तो मजाक करन छी अगर सेटिंग जे हजाली पर के कर दूंगा हिमालय से वाले जेबीर तू ले सेटाल छे सेटाल ना धर्म ना दिखे तू ने ले यार हम ना ये भल नहीं है दूसरे दिखे अच्छा यो बता तुझे कस चिल चे चेली चेली तो रंगा ये सभी जी लोग गांव छोड़कर शहर की ओर जाने लगे और ये कोई गलत बात नहीं थी मेरे मैं बाबुल बहुत आस लगा रही मेरे भले दिन रात मेहनत करूं मैं के पढ़ूं लीजिए और मैं यो सब कभी नहीं भूल सकती की एक्टिंग कैसे लगी आपको शिव आगे एक्टिंग ना हाँ जी क्या हाल चाल सब बढ़िया ना यहाँ भी सब बढ़िया है और सफर भी बहुत खूबसूरत चल रहा है इसी खूबसूरत सफर के साथ साथ आज मैं आया था जी कैंची धाम कैंची धाम से अब मैं जा रहा हूँ जी हल्द्वानी तो इस बार हल्द्वानी आने का मेन रीजन ये था कि एक पहाड़ी मूवी है जो कि 23 तारीख को रिलीज़ हुई है तो मेन रीज़न जो है कि उसको देखने का था बट दूसरा रीज़न ये भी आता है कि अगर मैं हल्द्वानी में आया हुआ हूँ और बिना बाबा नीम करोली जी के दर्शन कराए अगर मैं वापस चला जाता ना तो वो भी फिर मेरे दिल को भाता नहीं अभी मूवी उत्तराखंड में लगी हुई है ना तो वो उत्तराखंड के प्लान को दर्शाती है और हम बींग अ पहाड़ी मुझे वो मूवी देखनी चाहिए थी और बहुत सारे हमारे जो लोग हैं ना उन लोगों ने ऑलरेडी मतलब जितने भी मैंने शो देखे थे 23 तारीख को मूवी रिलीज़ हुई थी और 23 तारीख के बाद जो है ना कि मतलब पूरे शो जो हैं कि हाउसफुल जा रहे हैं और अभी भी मुझे पता नहीं है कि अगर मैं अभी हल्द्वानी में जा रहा हूँ मुझे शो अभी वहाँ पर मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ पता नहीं है बट ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो जिन जिन लोगों ने वहाँ पे रोल किया हुआ है ना बहुत ही शानदार रोल किया हुआ है उनमें से एक मेरा फ्रेंड भी है जिन्होंने एक मेन कैरेक्टर का रोल जो कि हुआ है उस कैरेक्टर में बहुत लोग उस रोल की जो है कि ना सराहना भी कर रहे हैं अभी हमको लगभग 12 किलोमीटर दूर जाना है जी रोडवेज बस स्टेशन से और मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि मतलब इतनी दूर जो है ना इन्होंने थिएटर बना रखा है तो देखेंगे कि कैसे स्थान पर भी जो बना रखा है वो देखते हैं बाकी अभी मुझे लंच भी करना है कि मैंने लंच नहीं करा हुआ है अभी तक बाकी जो यहाँ का मौसम हो रखा है ना अभी बहुत ही मौसम हो रखा है जैसे कि अभी आप दुख रही हो तो थोड़ी देर में हम शायद अभी 10 से 15 मिनट में हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर और 4:30 बजे की जो है ना मूवी है तो उससे पहले तो पहुँच ही जाएंगे ऑटो से तो हम लोग उतर चुके हैं और ऑटो से ना अराउंड 1 किलोमीटर दूर जाना है मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है कि ना लोकल लोग ही मतलब ज़्यादा देखते होंगे मूवी और दूर दूर से तो पता नहीं आते होंगे नहीं आते होंगे तो मेरे को तो एक भैया मिले थे जिन्होंने जो मतलब हमारे साथ ऑटो में आए थे उन्हीं के साथ में जा रहा हूँ क्योंकि इनको भी वहीं पर जाना है तो देखते हैं कितना दूर 1 किलोमीटर हाँ 1 किलोमीटर दूर है तो देखते हैं बाकी अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से पहुंच चुके हैं जी हम हॉल के सामने और हमारी जो मूवी है ना वो वाली है माटी पछाड़ तो अभी हम उसको देखने के लिए जाने वाले हैं तो उसको जो हमारा टाइम है ना वो है 4:30 तो अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले मैं देख लेता हूँ टिकट का कैसा है नहीं तो फिर ऑनलाइन करनी पड़ेगी नहीं तो खाना खाना है मुझे तो खाना खाने के लिए ना सामने एक दुकान मिल गई है क्योंकि अंदर खाना खाऊंगा तो महंगा होगा तो उससे अच्छा तो मैं सस्ता खाना जो है कि बाहर खाऊंगा तो सबसे पहले मैं टिकट पूछ लेता हूँ अभी हम आ चुके हैं जी यहाँ के बॉक्स ऑफिस में तो यहाँ से हम टिकट लेंगे वे 4:30 वाली कर देना माटी पछाड़
यहाँ है मतलब बहुत ही छोटा सा लग रहा है, ज़्यादा बड़ा सा नहीं है, फिर ज़्यादा क्राउड भी नहीं है। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं जी हल्द्वानी में, और मतलब जिस मूवी का मुझे इंतज़ार बहुत समय था ना, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है वो बहुत समय से इस मूवी का जो है कि प्रचार कर रहा था कि यार मेरी मूवी आने वाली, फाइनली जो है कि मैं पहुंच चुका हूं जी उस मूवी को देखने के लिए। अभी आप सामने देख सकते हो कि जो बैनर लगा हुआ है ना, और बहुत सारे लोगों ने 23 सितंबर को देख ली है, बट क्योंकि आपको तो पता ही है कि हम जो हैं कि जॉब वाले बंदे, तो हमको उस दिन टाइम नहीं मिला था। तो मैंने सोचा यार, और दिल्ली में ये जो मूवी लगने वाली था ना, बहुत टाइम बाद लगने वाली थी, यानी कि उसने बताया था कि बहुत टाइम बाद लगी, मुझसे वेट नहीं हुआ गया। तो स्पेशली मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मुझे ना ये फिल्म देखनी, क्योंकि मुझे मतलब अपने पहाड़ से मतलब हमेशा से ही प्यार रहा है, और ये जो मूवी है ना वो ऐसी ही कुछ दर्शाती है, प्लान का ही पूरा दर्शाती है कि मतलब जैसे भी मुझे पता चला है कि पूरा प्लान के बारे में इसमें कि मतलब कैसे प्लान हो रहा है, जैसे कि अभी बहुत सारे केसेस जैसे कि उत्तराखंड में होने वाले, तो सारी चीज़ें ना इस मूवी में हमको पता चलने वाली है। रिव्यूज़ तो मैं आपको बाद में दूंगा, बट जो भी मैंने इसका ट्रेलर देखा था ना वो बहुत ही मस्त है, और मुझे ऐसी उम्मीद भी है कि जैसी मतलब ट्रेलर था ना वैसी मूवी भी होने वाली है। और मूवी जैसे भी मतलब हम लोगों को ना, जितने भी लोग हम पहाड़ी है, एटलीस्ट या एक बार तो थोड़ा सा ना सपोर्ट करना चाहिए, जितने भी हमारे पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी कल्चर है, उसको तो एटलीस्ट हमको सपोर्ट करना चाहिए। वैसे तो हम मुझे भी पता है कि यार हम लोगों को ना जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है, और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि उत्तराखंड में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि जो हम यहाँ पे रुके, क्योंकि मैं मेरा खुद ही लगा लो ना आपकी, मैं इतनी दूर से और यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि दिल्ली अगर हम उत्तराखंड वाले इतने ही वो होते ना, इतने जागरूक होते, तो हमारी जो मूवी है ना वहाँ पे भी लगती, बट वहाँ पे नहीं लगी। रीज़न यही था कि वो कुछ शायद हमारी लैंग्वेज को इतना प्रिफर नहीं करते होंगे, उस लेवल तक नहीं ले जाते होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताता भी होंगे कितना कितनी यहाँ पे भीड़ लगी रहती है, और कितने आसपास के जो लोग हैं ना वो आए हुए रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टाफ हैं यहाँ पे, तो उनसे मैं रिव्यूज़ जान लेता हूँ कि यार आपको कैसे लगी। वैसे अभी आपने देख ली? हाँ, मैंने देख ली सर मूवी। अच्छा, अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, हमारे उत्तराखंड के कलाकार हैं, अच्छा किया हमने। चलो बढ़िया, तो अब हमारी बारी है, और मेरे रिव्यूज़ आप तक बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं। और इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि यार अगर मैं उतनी दूर से आया हुआ हूं, तो मतलब ये आप जो भी समझ लो, चाहे वो उतना नहीं भी कर पाए होंगे, बट एटलीस्ट इतना तो है कि यार हमें सपोर्ट तो ज़रूर करना चाहिए। और उसमें वैसे भी हमारा एक फ्रेंड है, उसको मैं ना आपको उसी समय बताऊंगा कि कौन सा मेरा फ्रेंड है जिसने यहाँ पे बहुत ही अच्छा रोल जो है कि प्ले किया हुआ है, और बहुत सारे लोग जो है ना कि उसकी सराहना भी उस रोल के लिए कर रहे हैं। चलो फिर थोड़ी देर में अराउंड आधे घंटे बाद जो है ना हमारा शो जो है कि स्टार्ट होने वाला है। आपको मैं ना एक बार कवर थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने ले रखे हैं जी क्या है, समोसे और छोले। ठीक है, तो ये मेरा फेवरेट मतलब कॉलेज टाइम से ही फेवरेट है, तो मैंने सोचा कि आज ना इसी का मज़ा लेते हैं। चलो जी, अब मैं आपको ना हल्द्वानी का थिएटर दिखा देता हूँ कि कैसा है। जैसे हम एंटर करते हैं जी, तो ऐसा कुछ हमें फर्स्ट व्यू ऐसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत स्मूथिंग लग रहा है, और यहाँ पे है हमारा खाने पीने का जुगाड़। ठीक है, तो वो अभी देखते हैं कि क्या क्या खा पाते हैं हम। बाकी कुछ ऐसा यहाँ से पूरा नज़ारा दिख रहा है, कुछ लोग जो है कि आ भी चुके हैं, तो शायद वही मूवी देखने के लिए आए होंगे। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा है, थोड़ा बहुत सिटिंग का अरेंजमेंट भी है, वैसा तो नहीं है जैसा हमें आगे मिलता है, बट फिर भी इतना भी बहुत है, क्योंकि यहाँ पे भी लोग मूवी देख रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छा है। चलो जी, अब अंदर घुसते हैं और देखते हैं जी यहाँ का हॉल कैसा है। तो ऐसा कुछ है, अभी लोग आ चुके हैं, कुछ तो आ चुके हैं, मेरी सीट सबसे पीछे। चलो चलते हैं। यहाँ पे है जी हमारी सीट, और यहाँ से कुछ ऐसा दिखने वाला है। थैंक यू भाई। तो वैसे मैंने इतने छोटे हॉल अभी तक तो देखे नहीं यार अपनी लाइफ में। एक बार मैं एक सेमिनार में गया था ना, वहाँ पे कुछ इतना छोटा सा हॉल था। बाकी अभी तो देखो इधर तो कोई भी नहीं आ रहा था मेरी सीट वैसे यहाँ पे, बट यहाँ पे थोड़ी सी रेड लाइट है, मैं पूरा लाल लाल हो गया हूँ। बट देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं कि छोटे हॉल में मूवी देखने का मज़ा कैसे आता है। तो यहाँ से वैसे साफ तो दिख रहा है, बट सर भी दिख रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है यार थोड़ा सा। देखता हूँ कैसा लगता है। मेर जीते जी, यो जमीन नहीं बिकली,
नंदू बाबू मैं यह जमीन के नहीं बेच दे मैं अपन पछाड़ नहीं खोड़ दे मेरी माँ छो मरी पछाण छो जो आख कैता के ली दुष में बाण छो सरा है जाओ सावधान सौदा कालियो नगौली को तू मेरी पछाण ओ मवालियो ये गाड़ धुर जंगला हमर अभिमान छो ये माटी मेरी माँ छो मरी पछाण छो चेली के बात मूल जेल को छो यार रमदा देखो तुम आई में डुकती रख पर हाथ धरे रमदा है मगर यह लागे ना कि तुम यह जीवन में ना ब्याह नहीं कर रहा तुम यार अरे तस बात नहीं है शिवा यस बात नहीं है उस बात नहीं अरे यह सच हो मैं तो सोचू नहीं कि यह सब छोड़ छाड़ बने के दूर हिमालय पर नहजों में साधु बन जो यह सब है तो भोल झूल है यहाँ कोई ले मेरे फिक्र नहीं करन एक तुम छिया और तुम ले मेरे दिखाओ दिखाओ रमदा दिखाओ कोई चेल छियो दिखाओ नहीं रमदा तू के कर ले चेल देख दे तू के तो साधु बनन छु रमदा मैं तो मजाक करन छी अगर सेटिंग जे है जाली पर के कर दूंगा हिमालय शिवाले जेबीर तू ले सेताल छे सेताल ना रमदा दिखे दियो ने ले ना रमदा ये भल नहीं है दूसरा दिखे अच्छा यो बता तुझे कस चिल चे चेली चेली तो रंगा यश होने चे ने मतलब यश होने चे कि मतलब देखने चाना में एकदम चांदा टुकुल होने चे रंगा भाई मिली तो है आपको उठने मेले नजाकत हो मीक उठने मेले नजाकत हो रंगा मीक मुख ने भैंसा चारी दिन भर चलने चे मीक मीठ मीठ बुलान मैं कानू में रस घोल दे रमदा यश चेली हैं जय हूँ और रमदा वो अब नहीं मिलेगी ऐसी और ये सब जी लोग गांव छोड़कर शहर की ओर जाने लगे और ये कोई गलत बात नहीं थी और किले नहीं जाना के छोए गांव पर लोग बात इसी के जाने रहो जब तक ये समस्या कोई ठोस हल ना निकले और आखिरी में मैं इधु का पूछा कि मिके ये समस्या दूर दूर तक केले हल दिखाई नहीं एक समय जी जब हर पहाड़ में केले सुख सुविधा नहीं जी चाहे वो बल स्कूल अस्पताल हो सड़क हो या बचत पानी हो फौजी नौकरी छोड़ गए केले रोजगार अवसर नहीं जी तो वो बगर हमारे पलायन होने आवश्यक जी मेरे मैं बाबू बहुत आस लगे रही मेरे भैले दिन रात मेहनत करू मैं पढ़ू लीजिए और मैं यो सब कभी नहीं भूल सकन कुछ स्वयं हमारे मैं बाप ने देखनी हमारे लीजिए तो अभी साँग मुझे मूवी जोन वालों ने एक फ्री पॉपकॉर्न दिया है कॉम्प्लीमेंटली आप दिल्ली से यहाँ पे आए हो मूवी देखने के लिए इसलिए थैंक यू सो मच मूवी जोन दीदी वो तस किले बुला रही ना किला ये गलत काम है अरे काबू में रखो अपनी चेली के जो सपन पूरा नहीं है सकन वो कह नहीं देखो अपनी हैसियत देखो जमाने की मत भी होनी चाहिए कि कोई भी भल चला देख बैर होकर फंसा लिए लक्ष्मी लियो अपन आंखों देखो और तुम अपने चेली के भल नहीं सिखाया जय थाइम खाई कोई थाइम छेद कर दे तुम लोग अरे शर्म मान जाए तुम कह Yeah.
पहली बार थिएटर में देखी है ना गढ़वाली, मतलब कुमाऊनी फिल्म, कैसे लगी? मतलब कैसा फील हुआ अंदर से, कैसा फील आया? अच्छा, अम्मा लोग भी है यहाँ पे। अम्मा कैसी लगी मूवी फिर? बढ़िया लगी। अच्छा, कैसे लगी फिर अपनी लैंग्वेज थिएटर में देखने में? अच्छा, तो एक जो उसमें शिवुआ था ना, वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है, उसकी एक्टिंग कैसे लगी आपको शिवुआ की? शिवुआ की एक्टिंग ना, तो देख सकते हो शिवा भाई, आपकी जो एक्टिंग है ना सभी को बहुत अच्छी लगी है और फिल्म भी बहुत अच्छी है और मतलब सबके रिव्यू जो है कि अच्छी अच्छी हैं। तो अभी देखते हैं, अभी कुछ लोग अभी और बननी चाहिए ऐसा लगता है कि हाँ भाई, मतलब हमारी जो फिल्म है वो कहीं, जैसे कि अभी मुझे वहाँ दिल्ली से यहाँ पे आना पड़ा, तो ऐसा होना चाहिए कि हमारी मूवी वहाँ पे चलती तो बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट आगे अभी तो कोशिश चल रही है, तो मे बी फ्यूचर में अभी कुछ ऐसे ही कुछ आने वाला है। तो थैंक यू सो मच आप यहाँ पे देखने के लिए आए, और जब भी ऐसी कुछ मूवी आए ना, तो मतलब अच्छी लगे ना लगे, बट एटलीस्ट एक बार देखने के लिए तो आना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा चीज राजस्थान टोटल इसमें पहाड़ी पिक्चर का दिखाया। तो अभी फाइनली जो है ना मूवी देख के हम आ चुके हैं, और मूवी मतलब मुझे ना अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ पे ना पूरी जो लैंग्वेज है ना पूरी हमारी पहाड़ी, एक्चुअली मैं गढ़वाली हूँ पर उतनी कुमाऊनी लैंग्वेज मुझे नहीं आती, बट फिर भी मैंने कोशिश करी कि हाँ भाई समझू, क्योंकि कॉलेज के बाद ना मैं अपने पूरे कुमाऊनी फ्रेंड के साथ ही रहा हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि यार यहाँ पे ऐसी मूवी बन रही है, ठीक है। तो शिवुआ भाई, हमारे जो शिवुआ भाई हैं उनकी जो एक्टिंग है ना, अभी मैं जैसे मैंने पूछा था ना, तो शिवुआ की जो एक्टिंग थी वो सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी, और मुझे भी बहुत खुशी होती है यार प्रकाश भाई ना, कि आपका वो वाला लेवल मैंने देखा, कि जब मतलब आप बहुत ही नीचे डाउन फेस में थे और अभी ना आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो वो इस क्रिएटिविटी को ना बहुत आगे तक लेके जाना चाहिए। सबसे अच्छी बात तो आपके लिए ये है ना, सच्ची मैं कह रहा हूँ, जब भी आप आ रहे थे ना, तो वहाँ पर जो साउंड था ना वो ऑटोमेटिकली बूस्ट हो रहा था। मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा कि आप मेरे फ्रेंड हो, मैं तब इसलिए नहीं कह रहा, बट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी आपका रोल वहाँ पे आ रहा था ना, तो मतलब साउंड ऑटोमेटिकली बढ़ जा रहा था, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि हाँ भाई आपने एक यूनिक काम किया हुआ, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी मैं आया था जी मूवी जोन सिनेमा में, जो कि हल्द्वानी में है, और यहाँ पर भी मतलब मुझे सिटिंग अरेंजमेंट था, पहली बार मैंने मतलब इतने छोटे हॉल में, और मुझे ऐसा लगा नहीं था कि यार, मैंने सोचा कि छोटा हॉल है तो अच्छी सुविधाएं नहीं होंगी, पर जैसे मैं अंदर गया वहां पे बैठा ना, तो वहां पे मुझे बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल मतलब आराम सो सोके ना, 300 रुपए का टिकट था उसमें, मतलब बहुत ही अच्छा जो है ना कि मजा आया। तो थैंक यू सो मच मूवी जॉक्स, और इन्होंने मुझे एक कॉम्प्लीमेंटली पॉपकॉर्न ड्रॉप्स भी दिया था, तो थैंक यू सो मच आपका। और बाकी बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, मतलब इतना क्राउड नहीं है, बट अभी अभी आराम आराम से जो है कि क्राउड बढ़ेगा, और अगर हमारी ऐसी पहाड़ी मूवीज आती रही ना यहाँ पे, तो बहुत क्राउड यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो आप लोगों का मेन जो रोल होता है ना, वो इसमें मेन जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप लोग आओगे तभी हम पहाड़ी मूवीज को या फिर पहाड़ी लैंग्वेज को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक जरूर करना, और इस ब्लॉग को शेयर जरूर करना अपने पहाड़ी फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए जी बाय बाय।